24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज स्टिंग ऑपरेशन 24 घंटे मेड न्यूज पेड न्यूज 24 घंटे सनसनी 24 घंटे मसाला 24 घंटे टीआरपी क्योंकि खबरों के बाजार में ये समाचार नहीं व्यापार है। नौटंकी न्यूज दिवाली दिल वालों की और इस बार दिवाली के पटाखों के साथ न्यूज की आतिशबाजी लेकर हम आ रहे हैं 24 घंटा न्यूज पर। आज की हेडलाइंस, दिवाली पर मावा हुआ महंगा। आखिर क्या है मावे की महंगाई का राज, और मावा महंगा हुआ तो कितना हुआ, क्या कीमत लाखों में या करोड़ों में बढ़ गई। मावे से बनती है मिठाइयां और मिठाइयों से बनता है मीठा, और ज्यादा मीठा है सेहत के लिए खतरनाक। क्या मावा की महंगाई का दावा इसलिए तो नहीं कि मार्केट में डिमांड बढ़ी रहे चाहे खाने को ना मिले। खबरों की खबर में एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आप सबका टूट जाएगा सब्र। दिवाली के मौके पर बन रही है गटर के पानी से मिठाइयां। आखिर क्यों मिलाया जा रहा है मिठाइयों में गटर का पानी, क्या म्युनिसिपैलिटी उन्हें पूरा पानी नहीं दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या गटर के पानी से बनने वाली मिठाइयों में वही मिठास है? पेट्रोल हुआ सस्ता, कीमतें आधी रात से लागू। आखिर क्यों करना चाहती है सरकार आधी रात को गुपचुप तरीके से पेट्रोल सस्ता? का एक कारण ये भी हो सकता है कि आधी रात में तो कोई पेट्रोल बनाने जाता भी नहीं। आखिरकार क्यों सरकार आधी रात में आम जनता की नींद खराब करना चाहती है? इससे फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार, क्या कोई साजिश है या फिर बिहार इलेक्शन में हुई हार की वजह से दाम घटा रही है सरकार? जो मारते हैं चौका हम उसे यहां देते हैं मौका। तो आज हम मौका देने जा रहे हैं दो खिलाड़ियों के खिलाड़ियों, चुनाव की चाणक्य चौकड़ी के जय और वीरू बिहार से आए हुए भालू यादव और नीतीश कुमार जी को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो ये दोनों अपने आप में लतीफे हैं। हाँ मैं वही कहने जा रहा था, खलीफा बोल रहा हूं। चलो तो दोनों अपने आप में खलीफा है। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं इन खलीफा से कि ये जीत का हार किसे पहनाया जाए? अरे पूछना क्या है, हमारे गले में डालिए लाइए। अरे नहीं नहीं भालू जी, सीएम तो रितेश कुमार साहब बने तो उनको ही जाता है हार। चला सीएम भी यही बनेंगे, माला भी यही पहनेंगे, कुर्सी पे भी यही बैठेंगे, तो हम का यहाँ पर बाबा जी का डमरू बजाने आए हैं। ये बाबा जी पर से याद आया, नीतीश कुमार जी आपको उस तांत्रिक ने कान में क्या कह दिया था ऐसा, जनता जानना चाहती है। अरे जनता जाए डाल लेने, हम खुद जानना चाहते हैं कि क्या कहे थे कान में, कि हम जैसे महातांत्रिक का खोपड़ी भी गड़बड़ा गया, कि हम खुद उन्हें बोल दिए कि जाओ बन जाओ सीएम। हमने तो मजाक किया था, तो सीरियस नहीं ले गए भाई? हाँ रितेश कुमार जी ने सीरियसली ले लिया, और उस तांत्रिक ने भी बहुत सीरियसली कहा था कि रितेश कुमार जिंदाबाद, भालू यादव मुर्दाबाद। और आपके वो दिल्ली के फेकलीवाल साहब ने पता नहीं कैसा जमाल गोटा पिला दिया कि आप जीत गए। हाँ हाँ तो वो जमाल गोटा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, अच्छा है बोल दूंगा, जन्म गुटी कौन सी जन्म गुटी पिलाई थी। और हाँ दिल्ली में बैठे बैठे हमारे बाबा, हमारे छोटे बाबा मेहुल आंधी साहब ने भी आप दोनों को आशीर्वाद दिए थे। अरे 80 सीट ला के हम इनको सीएम बनवाए हैं और आप हमारा क्रेडिट कार्ड दूसरों को दे रहे हैं। क्यों नहीं, क्योंकि ये विकास पुरुष है भालू जी। है? तो हम का स्त्री लगता हूँ, हम पुरुष नहीं लगता हूँ? नहीं आप भी पुरुष तो हैं, लेकिन विकास पुरुष का है, आपने कौन सा विकास किया है? क्यों नहीं किया, हमने विकास मुन्नी सब किए हैं। अरे 9 बच्चे हैं हमारे, और कितना विकास चाहिए? नीतीश कुमार जी आप भी तो कुछ बोलिए। अब हम क्या बोलें, हमारा काम तो हो गया। देखा देखा देखा। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने ये 80 सीट जीती कैसे? हाँ वो तो जो है हम सोच के बताता हूँ। देखा इन्हें आइडिया ही नहीं है कि इनको 80 सीट कैसे आई। हाँ तो चलो रितेश कुमार जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब बिहार के बारे में आपकी विकास योजना क्या है? इन्होंने जो गड्ढे किए हैं उन्हें भरेंगे। गड्ढे नहीं भरना भाई, गड्ढा बहुत काम की चीज होती है। हाँ तो बात गड्ढे पे आके रुकी है दर्शकों। रितेश कुमार जी जो है वो ये चाहते हैं कि गड्ढा भरा जाए, और भालू यादव जी ये चाहते हैं कि गड्ढा खोदा जाए।
अरे रितेश कुमार जी, लेकिन आप तो सीएम हैं, आप तो कुछ बोलिए। अब हम क्या बोलें? हमारा काम तो हो गया, अब इन्हीं से बुलवा लीजिए। देखिए चिढ़ा रहा है, अभी ले लेंगे अपनी 80 सीट वापस। अरे हम गलती कर दिए भाई सीएम बनवाने का बोल के। पहली बार ब्रेकिंग न्यूज, भालू यादव जी ये कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने गलती की है। देखिए हम जो है अपना शब्द भालू यादव जी अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं। शुरू हो गया इन दोनों के बीच में घमासान। ए क्या बोल दिया तुम? तुम हमको जानते नहीं हो। अरे तुम्हें क्या यार, हम तो जो है उड़ती हुई चिड़िया की हल्दी लगा देता हूँ। हम तो काला कौवा को चूना लगा देता हूँ। कौवा और हवा बनाने पे तुल गए हैं ये दोनों, चूना और हल्दी लगाने पे तुल गए हैं। यहाँ एक घमासान शुरू हो गया है। देखिए रितेश कुमार जी, आप सीएम है, आप पीछे मत हटिएगा, और भालू यादव जी आप भी डटे रहिए। अरे यार हम सरकार गिराता हूँ अभी। तो हम भी अभी तुम्हारा लालटेन बुझाते हैं, ये देखो। अरे हम तुम्हारा जो है ये तीर कमान सलग तोड़ देते हैं। रितेश जी एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरणार्थ अगर भालू यादव जी को सीएम बनाया जाए। अरे ऐसे कैसे मान ले, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे यार कमाल है, मतलब जो है एग्जाम्पल देने भर से तुम्हारे पेट में से गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो गया है, अब तो हम ही बनेंगे देखिए सीएम। मैं भी देखता हूँ। अरे देख लेना यार। देख लूंगा। चुबा देंगे। हो गई है चौथे विश्व युद्ध की तैयारी। दोनों कर रहे हैं खींचातानी, कोई कर रहा है मनमानी, तो कोई याद दिला रहा है किसी को अपनी नानी। ये दोनों ने कर लिया है अपना बीपी हाय, जो कल तक करते थे हाय फाय, वो आज कर रहे हैं लड़ाई। उन्हें यहाँ ही झगड़ने दो, हमारी टीआरपी बढ़ने दो, मेरा मतलब है अगले न्यूज की ओर बढ़ने दो। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की हुई थू-थू। शराब पीकर एक महिला एक्ट्रेस के साथ उन्होंने की बदसलूकी। आखिर क्यों पी थी कपिल शर्मा ने शराब? क्या उसका उस दिन शराब पीने का मन था, या फिर उसे कोई टेंशन थी? हमारे खोजी पत्रकार ने खोज के पता लगाया है और चौंकाने वाले खुलासे सामने लाए हैं। मसलन चकने में क्या था, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कपिल शर्मा द्वारा कितने पैक पिए गए। एक धमाकेदार खबर, बलवान खान ने अपनी आने वाली फिल्म प्रेम रतन धन पायो पे हैरतअंगेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम रतन धन पायो उनकी जिंदगी की बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आखिर ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल बयान उन्होंने क्यों दिया? कहीं इसके पीछे कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, या फिर इस बयान के पीछे वो कतरीना कैफ और अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? खैर अपनी हाथ की सफाई पेश, मेरा मतलब है अपनी सफाई में पेश करने आ रहे हैं खुद बलवान खान इसी स्टूडियो में। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर 600 करोड़, मेरा मतलब है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बलवान खान जी। मैं आ गया, मैं वापस आ गया। स्वागत नहीं करोगी हमारा? बिल्कुल बिल्कुल हम आपका स्वागत करेंगे। बलवान जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वो तो दिख रहा है। सच में? चलिए छोड़िए, अब हालचाल तो पूछते रहेंगे, काम की बात पूछते हैं। काम की बात से याद आया, आपकी फिल्मों में मेरे लिए कोई काम है? मेरा मतलब है हम जानते हैं कि आप अपनी फिल्मों में क्या क्या काम करते हैं। चलिए इस बात को भी छोड़िए, आपकी नई फिल्म आ रही है प्रेम रतन धन पायो, तो क्या कहना है आपका पॉलिटिक्स के बारे में? अरे मैं यहाँ पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आया हूँ, बिहार के पॉलिटिक्स और चुनाव का प्रमोशन करने नहीं। खैर यह बात बताइए कि प्रेम रतन धन पायो में कौन सा धन लगा है, आपका, प्रोड्यूसर्स का, या फिर अंडरवर्ल्ड का? अरे ताचरी वालों का धन लगा है, और क्या धन 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 लगा रखा है। अरे कोई ढंग का सवाल भी तो पूछ लो। ठीक है आप बताइए, 2 से अगर 4 को गुना किया और 8 को 9 से गुना किया तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक मिनट आमिर को फोन लगाता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर अभिनेता बलवान खान मैथ्स में वीक निकले, सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पे इसका खुलासा। चलिए अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी फिल्म की हीरोइन के साथ आपका चक्कर चल रहा है? मेरा मेरी किसी भी फिल्म की हीरोइन के साथ? ब्रेकिंग न्यूज, बलवान खान किसी भी फिल्म की हीरोइन के साथ अपना चक्कर चला सकते हैं। अरे ऐसा मैंने कब कहा? कब कहा उसका पता हम लगा लेंगे। यू माइंड योर ओन बिजनेस। आई डोंट डू एनी बिजनेस, माय फिल्म्स डू बिजनेस। चलिए ये सब छोड़िए, आप सिर्फ इतना बताइए कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, सिक्स पैक्स बनाए हुए हैं, इसके पीछे क्या डाइट प्लान है? वो मैं खाना
ब्रेकिंग न्यूज, सलमान खान खाना भी खाते हैं। अबे तो खाना तो खाऊंगा ना, मछली थोड़े जो पानी पे जिंदा रहूंगा। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, आपको लगता है कौन सा कपूर आपके लिए कॉम्पिटिशन हो सकता है? रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर या फिर श्रद्धा कपूर? रणधीर कपूर। रणधीर कपूर? पर वो तो आजकल फिल्में नहीं करते, तो वो कॉम्पिटिशन कैसे हो सकते हैं आपके लिए? मैं चेस की बात कर रहा था, फिल्मों में कॉम्पिटिशन देना मुझे आसान नहीं है, इस मामले में वो बच्चे हैं। अच्छा चलिए बताइए अपने कोर्ट केस के बारे में बताइए। चलिए छोड़िए वो हमें पता है, आपका रिश्ता माहरुख खान के साथ कैसा है ये बताइए। वो भी मुझे पता। चलिए छोड़िए, आपकी कौन सी फिल्म आने वाली है वो भी पता है। चलिए छोड़िए। अरे सब कुछ तुम्हें पता है तो मुझे क्या यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए बुलाया है? सेल्फी? सेल्फी तो बनती है, क्यों नहीं, ज़ूम नहीं करोगी? एक मिनट, इंस्टाग्राम पे लगा दो। अरे कौन बुलाया इसको? अरे सुनिए, मैं ना एक बार ना का वो काजल की डब्बी के साथ खेल रहा था ना, तो मेरे दोनों हाथ काले हो गए थे। फिर ना मैं उन्हीं हाथों के साथ मामा के पैसों के साथ भी खेल रहा था, तो वो सारे पैसे भी काले हो गए। नौटंकी न्यूज़। मनमोहन सिंह ने देश के ताजा हालात पर जताई चिंता। आखिर क्या है मनमोहन जी की चिंता? क्या उन्हें टमाटर के दाम बढ़ने की चिंता है, या उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं अगले लोकसभा इलेक्शन में उन्हें फिर से प्राइम मिनिस्टर न बनना पड़े, या फिर उन्हें चिंता है राहुल गांधी की शादी की, या फिर उन्हें दिग्विजय सिंह जी की दूसरी शादी की चिंता है? क्योंकि जब से दिग्विजय सिंह जी की दूसरी शादी हुई है वो बड़े चुप चुप से रहने लगे। सरकार के पास है 20,000 टन सोना, हम बताएंगे इस खबर से जुड़े हर एक पहलू के बारे में। आखिर इतना सोना सरकार के पास आया कहां से? क्या ये बप्पी लहरी से लिया गया था? और इस सोने में लौटाए गए गोल्ड मेडल और अवार्ड्स का कितना परसेंटेज है? तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक नहीं दो दो हस्तियां। वैसे हमने तो एक ही को बुलाया था, लेकिन आजकल इनके वहां बाय वन गिफ्ट वन फ्री का सेल चल रहा है, तो एक के साथ दो दो आ गए। मिलिए न्यूमोनिया आंधी और उनके बेटे मेहुल आंधी से। सबसे पहला सवाल मेहुल आंधी जी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आजकल आपको कोई कुछ पूछता ही नहीं है, इसलिए हमने सोचा हम आपको पूछें। हाँ तो मुझे ये बताइए, आप बार बार गरीबों के घर जाके उनकी रोटी क्यों खा लेते हैं? अंकल जी मैं ना गरीबों के घर पे रोटी खाने के लिए इसलिए जाता हूँ क्योंकि आपकी माता जी टेस्टी खाना नहीं बनाती। ब्रेकिंग न्यूज, मेहुल आंधी की माँ नहीं बना सकती टेस्टी खाना। नहीं नहीं अंकल जी, मैं सारा खाना इसलिए खाता हूँ क्योंकि मैं ना खाते समय सेल्फी नहीं खींच पाता ना, तो मैं ऐसे हाथ करके खाते खाते फोटो खिंचवाता रहता हूँ। ये भी पता है हमें, इसलिए तो हमने आपको चाय तक नहीं पूछी आज। हाँ मम्मा, अंकल डजन नो, अंकल मैं चाय नहीं पीता। क्योंकि मैं जानता हूँ कि छोटे बच्चे तो दूध पीते हैं, इसलिए मैं दूध पीता हूँ, है ना मम्मा? वेरी गुड वेरी गुड बेटे। अच्छा तो निमोनिया जी आप ये बताइए कि ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है? आप जरा महंगाई पे रोशनी डाली। मुझे तो मेरे पाशन वाले ने लिख के नहीं दिया है, तो मैं कहां से बोलूं, कैसे रोशनी डालूं? दर्शकों को साफ साफ बता दूं कि निमोनिया जी साफ साफ इनकार कर रही है महंगाई के मुद्दे पर रोशनी डालने से, लेकिन हम इतनी आसानी से आपको छोड़ेंगे नहीं। अंकल जी अंकल जी अंकल जी मैं डालता हूँ रोशनी, मैं डालता हूँ, एक मिनट एक मिनट। ये देखिए अंकल जी मैंने डाल दी रोशनी। वेरी गुड वेरी गुड, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा मैडम तो अब आप बताइए कि जो घोटाले हुए थे वो कैसे कर लेते थे आप लोग? कौन सा स्पेक्ट्रम खेओ जी, पादश या कोयला का मुंह काला? घोटाला होता है मामा। सॉरी बेटा मुझे साफ कर दो। मामा माफ कर दो होता है। साफ कर दो, हमने हमारे कानों से सुनी ये बात कि अभी अभी निमोनिया जी ने यही बैठ के कहा कि मुझे साफ कर दो। इसका मतलब है कि कभी पहले भी उन्होंने ऐसी ही बात कही होगी, इसलिए देश की जनता ने उन्हें साफ कर दिया। अब देखते हैं और आगे क्या क्या उगलते हैं ये लोग। हाँ तो निमोनिया जी ये बताइए कितना काला धन है? मैं बताता हूँ। नहीं नहीं बेटा तब तुम बहुत छोटा था, मैं बताती हूँ। देखा आपने, दोनों काले धन के मुद्दे पर एक दूसरे को रोक रहे हैं। नहीं नहीं अंकल जी मैं बताता हूँ ना, काला धन हमारे पास है। मैं ना एक बार ना
काजल की डब्बी के साथ खेल रहा था ना, तो मेरे दोनों हाथ काले हो गए थे। फिर ना मैं उन्हीं हाथों के साथ मामा के पैसों के साथ भी खेल रहा था, तो वो सारे पैसे भी काले हो गए। मतलब आपने खुद ने अपने हाथों से बनाया था काला धन। आज की सनसनीखेज खबर, मेहुल आंधी कबूल करते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से काला धन बनाया। ये सब बातें मत बोलिए, मैं बंदी बेईमान हो रही हूँ। परेशान हो रही हूँ मामा। हाँ वही हो रही हूँ, वो आज पाशन वाला नहीं आया है तो सब हरकत हो रही है। हरकत नहीं मामा, दिक्कत हो रही है। बात को पलटिए मत, अभी अभी मैडम ने कहा हरकत। देखा दर्शकों, निमोनिया जी ने कबूल किया कि वो हमारे स्टूडियो में आके हरकत करने की कोशिश कर रही थी। मैडम अगर ऐसी भावनाएं लेकर आप आगे बढ़ेगी तो देश की जनता का उद्धार कैसे करेंगी? उद्धार? उधार तो हमने देश पे बहुत चढ़ाया है, आप चाहेंगे तो और उधार चढ़ाएंगे। मैं तैयार हूँ। मामा आप ना चलो यहाँ से, नहीं तो आप बैंड बजवा दोगे। अरे भाई तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बैंड बज जाए, तुम्हारी शादी हो जाए। कल ही मुझे कोई कह रहा था कि तुमने पार्टी का बैंड बजा दिया है। मामा मामा मेरे कॉमेडी शो का टाइम हो गया, अब चलो यहाँ से। चलिए चलिए, बाय अंकल जी, बाय बाय बाय। तो देखा आपने दर्शकों, यही है निमोनिया मैडम का असली चेहरा, उनका असली रूप। वो हकीकत में सिर्फ करवाना चाहते हैं अपने बेटे आहुल आंधी की शादी, और इसीलिए उन्होंने आज तक की है राजनीति। ऐसी ऐसी खबरों के साथ देखते रहिए घंटे का न्यूज। मेरा मतलब है 24 घंटा न्यूज। डेढ़ साल के बच्चे ने सांप को खाया और वो बच भी गया। सवाल ये है कि बच्चे ने सांप को क्यों खाया? कहीं वो भूखा था या उसे बाहर से कुछ खाना था? सवाल ये भी पैदा होता है कि उस बच्चे ने उसी सांप को क्यों खाया? कोई दूसरा सांप अवेलेबल नहीं था या उस सांप के पीछे किसी सपेरे का हाथ था? खैर हमारे साथ बने रहिए इसी न्यूज चैनल पर, हम बच्चे तक को भी ढूंढ निकालेंगे सिर्फ 24 घंटे न्यूज पर। वृश्चिक राशि वाले रितेश कुमार के लिए समय बड़ा ही दुविधाजनक। इनका मंगल ग्रह अपने स्थान को छोड़कर बुध के घर में घुस गया है। नौटंकी न्यूज। गर्दिश में है सितारे में आपका स्वागत है, आइए और आ जाइए क्योंकि अब हम देखेंगे राशि फल। हाँ वृश्चिक राशि वाले रितेश कुमार के लिए समय बड़ा ही दुविधाजनक। इनका मंगल ग्रह अपने स्थान को छोड़कर बुध के घर में घुस गया है, इसलिए अब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक मंगल ग्रह अपने घर में नहीं आ जाता कि हमें मिलने की खुशी मनानी चाहिए या कम मिलने का गम। वैसे भी शनि बाहर खुला घूम रहा है, अगर खाली घर देखेगा तो घुस जाएगा। इनका शुभ अंक 100 से भी ज्यादा है। इनका शुभ रंग ये खुद ही बड़े रंगीन है। उपाय क्या है? उपाय यही है कि 4 उड़ती हुई चिड़ियों को अपने हाथ से दाना खिलाना है, तभी ग्रह होंगे शांत। चलिए अब चलते हैं अगले राशि फल पर। हाँ तो मकर राशि वाले मारुख खान को मकर संक्रांत तक चुप रहने की सलाह दी जा रही है, वो कुछ भी ना बोले। अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो शनि मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा। इनकी शुक्र की दशा ठीक नहीं, इसलिए फिल्मों को शुक्रवार वाले दिन कभी रिलीज ना करें। इनका शुभ अंक है पता नहीं, इनका शुभ रंग है पता नहीं, लेकिन लाल रंग से बचे, खासकर गुस्से से आए हुए लाल चेहरे से। उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि हर शुक्रवार 7 चीतों को केला खिलाएं और पांव छूकर उनका आशीर्वाद लें, ग्रह शांत हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही राशिफल, धन्यवाद। पर देखते रहिए गर्दिश में है सितारे, जाइए अब चले भी जाइए। खबरों से मत रहिएगा बेखबर, क्योंकि खबरें करती है खबरदार।
लेकिन खबरों में अगर जायका ना हो तो लगती है बेकार। इन्हीं बेकार खबरों को जायके का तड़का लगाने और बासी पड़ी खबरों को ताजगी का एहसास दिलाने हम आएंगे फिर अगले हफ्ते, और हो सकता है तब तक हो जाए टमाटर के भाव भी सस्ते। तो मिलते रहिए, मिलेंगे हम आपको अगले एपिसोड में घंटे की न्यूज। आहा, मेरा मतलब है हर घंटे न्यूज नहीं, 24 घंटा न्यूज पर। नौटंकी न्यूज, नौटंकी न्यूज।